उत्तर भारत में शुरू हो चुकी भीषण गर्मी भी अयोध्या राम मंदिर में लग रहे राम भक्तों के जमावड़े में किसी भी तरह की कमी करने में असमर्थ हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए लगातार भक्तों का आगमन जारी है। साथ ही सभी भक्त पवित्र सरयू नदी में भी स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। इस भीषण गर्मी के बीच सरयू नदी वहाँ पहुँच रहे सभी श्रद्धालुओं को शीतलता प्रदान कर रही है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग स्नान और दीपदान करने आ रहे हैं और इन दिनों लगातार बढ़ती भीषण गर्मी की वजह से सरयू स्नान करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। यहां पहुंच रहे लोगों में अयोध्या के विकास को लेकर काफी खुशी और संतुष्टि दिख रही है। हजारों की संख्या में हर दिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने राम की पैड़ी को मिनी वाटर पार्क तक बता दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर राम का मंदिर और राम सीता भवन, दशरथ भवन, सब कुछ देखा है। सब कुछ बहुत अच्छा है और ये भी बहुत बढ़िया है। बोटिंग करके आया वो भी अच्छा है। सरयू नदी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा मजा किया। बहुत बहुत अच्छा है, हर रोज चल रहा है। आरती तो सबसे बेस्ट, अच्छा लगा था, कल शाम को देखा था, बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। ये तो अभी ये ऐसा ये पुण्य मिलेगा, ऐसा नदी में स्नान करने से पुण्य है, अच्छा है। हम लोग यहाँ पर श्री राम भगवान जी का जो भव्य दरबार बना है वही देखने, दर्शन करने और हर की पौड़ी पर, मतलब राम की पौड़ी पर स्नान करने आए थे। बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक दृश्य, एकदम अलौकिक। वजह भीड़ की दो कारण है, पहला तो है श्रद्धा और दूसरा है गर्मी। और जो इस पौड़ी पर जल की जो शीतलता है वो मतलब समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि हम कहीं किसी बर्फीले प्रदेश में हो। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य है, बहुत दिव्य नजारा है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि आप इसको मिनी वाटर पार्क कह सकते हैं। और दूसरी बात, इसकी शीतलता का कारण है कि ये हमारी पूजनीय नर्मदा माता जी हैं और ये शीतलता प्रदान कर रही हैं स्वयं से। राम की पैड़ी पर बने साफ सुथरे घाटों और अयोध्या के विकास से खुश होकर यहाँ पहुँचे श्रद्धालु योगी सरकार और पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं।